तोता घर घर में बहुत प्यार से पाला जाता है। तोते को जो पढ़ाओ वही रट लेता है। यह छोटे छोटे शब्दों की नकल भी खूब करता है, जैसे मिट्ठू बेटे, हम जो बोलते हैं ये उसकी नकल कर लेता है। तभी तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं। तोता फल खाता है, ये कीड़े मकौड़ों को तो छूता भी नहीं। चने की दाल, अनार के दाने, मिर्च ये बड़े चाव से खाता है। बरसों पाले जाने के बाद भी पिंजरे से निकलते ही यह जंगल की ओर फुर से उड़ जाता है। तोते मिलजुल कर रहते हैं, पत्तों के बीच अपने हरे रंग के कारण ये अपने आप को आसानी से छिपा लेते हैं। ये घास फूस का घोंसला नहीं बनाते, पेड़ों के सुराख में अंडे देते हैं। मार्च के महीने से लेकर मई तक इसके अंडे देने का समय है। अंडों का रंग बिल्कुल सफेद होता है। ये अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। दुनिया भर में 180 तरह के तोते हैं, जैसे धूसर तोता, पीला नीला मकाऊ, लाल मकाऊ, मिल्टरी मकाऊ, इलेक्ट्रॉन, पीला सिर तोता, पीली कलगी वाला तोता, गुलाबी छाती वाला तोता, हीरामन आदि। हमारे देश में हीरामन तोता बहुत पाया जाता है। इसका पूरा शरीर हरा, गले में काली कंठी, चोंच लाल मुड़ी हुई। अपनी चोंच से तोता सख्त फलों को भी आसानी से कुतर कर खा जाता है। इसके पंजों में चार उंगलियां होती हैं, तीन उंगलियां आगे और एक उंगली पीछे की ओर होती है।
अपने पंजों से यह पेड़ों की टहनी को आसानी से पकड़ लेता है। ये तोता साहब भविष्य बता रहे हैं। इस तोते से यह काम बार बार कराया गया जिससे यह बोलना सीख गया। कपड़े का तोता बनाकर घरों में टांगते हैं। इससे पता चलता है कि लोग तोतों को कितना प्यार करते हैं। मनुष्य ने तोतों को कला में भी स्थान दिया है। वो इसके चित्र घर की दीवारों पर बनाते हैं। अनजान व्यक्ति के घर में आने से तोता घर के लोगों को चीख चीख कर सावधान कर देता है। तुम इसे तंग करोगे तो यह तुम्हें काट लेगा। इसके काटने से बहुत दर्द होती है। तोतों के बारे में अमीर खुसरो जो कि कवि थे उनकी एक पहेली है, तुम भी बूझो। सब्ज रंग और मुख पर लाली, उस पीतम गल कंठी काली, भाव कुभाव जंगल में होता, ए सखी साजन ना सखी तोता।